अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्रैंडपा डेली डायरी। आज हम आए हैं फसल देखने के लिए और खसूसन सत्तू की फसल जो है वो हमने देखना है कि क्या वो सत्तू के काबिल हुए हैं या नहीं। माशाल्लाह गंदमां तकरीबन तैयार हो पिया ने, ये पछेती है जी थोड़ी लेट है, तो है करीब महीने दो अंदर अंदर हो जाने। माशाल्लाह जो भी तैयार होने में कोई एक दिन लैन गए तो अल्लाह कीता पहुंच पे लेने। दोस्तों जौ तो कणक का जरा फर्क है तुम्हें थोड़ा जहा दसने तक फसल का पता लगता है कि है जौ ये कुछ दिन हूँ लेट भी गए फिर भी नर्मो नाल होनी वजह लेट भी गए तो अजे तैयार होने भी थोड़े दिन है। यह कणक है काफ़ी दिन पहले बीजने के बावजूद भी खड़ी है और अगे पकने तक तकरीबन खड़ी ही रहेगी। यह थोड़ी जी उन्हें लेट भी गई है, यह है कि कणक थोड़ी मजबूत होंगी है जौ जो नाजुक होंगे ये जल्दी तैयार हो जाने होंगे अल्लाह किता तो कणक तो पहले पक भी जाने ने क्योंकि नाद करने चलो इस वास्ते यह थोड़ा जहा फर्क ये होंगे। सत्तू वे भी बनाए जाते हैं मगर ये जवान के जड़े ने खसूसन वो होंगे कणक के भी बनाते हैं मगर वो अच्छे नहीं वो निस्बत जवान की निस्बत जरा होर होंगे। चलो जी देख जाते हैं हाँ जी। आज का साड़ा टास थोड़ा जहा कि जवाना तकना सी कणक का तकना है कि बारिश बार की सहाबता होया वो हम नज़र मारीे जमों अजे थोड़े जे लेट ने पर इस काबल नहीं कि उन्होंने सत्तू बनाए जा एक दो दिन सूँ होर चार देखना पेगा जरूर फिर इस नवे तो पहुँचे तो फिर इन कट के उन्होंने बना के सत्तू बनावे तो ये अभी मंगा इजाजत। अज का काम साढ़ा इन्ना कि अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़।